स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लास. टुडे वी विल स्टार्ट योर चैप्टर नंबर सेकंड फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. इस चैप्टर को सेकंड चैप्टर है हमारा हिस्ट्री का. इसमें एक स्टोरी दी गई है तुषार ट्रेन जर्नी. तुषार वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फ्रॉम हिज कजन्स वेडिंग. तुषार क्या है अपने कजन्स की वेडिंग में चेन्नई से दिल्ली से चेन्नई जाता है. दे वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वेज इन टू द विंडो सीट. सी नोज हिज नोज ग्लाइड टू द ग्लास पेन एज ही वॉच्ड ट्री एंड हाउसेज फ्लाई पास्ट. हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड डू यू नो द ट्रेन वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स एगो एंड दैट पीपल के बिगन यूजिंग बसेज ए फ्यू डिकेड्स लेटर. तुषार वंडर्ड व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ वेयर एवर दे वर बॉर्न. नॉट क्वाइट कि क्या है कि रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहाँ से वह बाहर का जो नज़ारा है उसे देखने में मगन है. तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे क्या है घर खेत खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं. तभी उसके जो चाचा है अंकल है उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की जो ट्रैवलिंग करना शुरू की है बस तो इसके कुछ दशक बाद ही आई. तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए सब सुविधाएं नहीं थी तो वह किस तरह से ट्रैवलिंग करते थे. क्या वह अपनी सारी लाइफ एक ही प्लेस पर बिता दिया करते थे. नहीं ऐसी बात नहीं है. अब आगे क्या होता है इसमें क्या है इस चैप्टर में इसका द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मून. जो आरंभिक लोग थे वह इधर से उधर जाने के लिए इधर से उधर क्यों घूमते थे. वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर एगो. टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदर. द नेम कम्स फ्रॉम द अवे इन विच दे गॉट देयर फूड. जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स कॉट फिश एंड बर्ड्स गैदर्ड फ्रूट्स रूट्स नट्स सीड्स लीव्स स्टॉक्स एंड एग्स. वह क्या है कि हम लोगों ने क्या है के बारे में जान उन लोगों के बारे में जानते हैं जो सब कॉन्टिनेंट में 20 लाख ईयर से पहले रहा करते थे. आज हम उन्हें क्या है क्या बोलते हैं हंटर और गैदर्स मतलब आखेट और खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं. वह अपने भोजन को इकट्ठा करने के लिए इधर उधर आधार पर उन्हीं से नाम पुकारा जाता था. आमतौर पर वह अपने खाने के लिए जंगली जानवरों का हंटिंग करते थे और मछलियाँ पकड़ते थे चिड़ियाँ पकड़ते थे फल फूल वगैरह ये सारा इकट्ठा करते थे. सब कॉन्टिनेंट हमारे सब कॉन्टिनेंट जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधे की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती है इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं भोजन है उसके अत्यंत इम्पोर्टेंट सोर्स था. हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस देयर आर मैनी रीजन फॉर दिस. इसके मतलब इन लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जो जाने का तरीका जाते थे इसके बहुत सारे रीजन हैं. फर्स्ट इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द available plants and animal resources. Therefore, they would have had to go everywhere in search of food. जब क्या है ये लोग क्या है एक प्लेस पर लंबे टाइम तक एट वंस प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम फर्स्ट ये रहते थे और जब वहाँ पर इनके जो भोजन की सामग्री अवेलेबल होती थी तब तक वहाँ रहते थे और जब ये रिसोर्स ख़त्म हो जाते थे तो वह भोजन की खोज में इधर उधर चले जाते थे.
Second, animals move from place to place either in search of similar prey or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaf. That is why those who hunted them had to follow their movements. और जो जानवर है वह एक जगह से दूसरी जगह सिमिलर जाते थे क्योंकि उन्हें क्या होता था कि ग्रास के लिए लीव ग्रास एंड लीव्स के मिले और हंटिंग देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स और वह हंटिंग से भी बच सके. थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए क्या एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे. इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे क्या है दूसरी जगह से भागते रहते थे. थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज वेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. और तीसरा जो रीजन था वह था पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग जो सीजन में आते थे इसलिए वह अलग लोग इनकी खोज में सर्च करने के लिए उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य जगह जगह अलग अलग इलाकों में जाते थे. फोर्थ, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव. वाटर इज फाउंड इन टेक्स इन लेक्स स्ट्रीम एंड रिवर्स व्हाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर perennial with water throughout the year. Others are seasonal. People living on their banks would have had to go in search of water during the dry season, winter and summer. क्या था कि इसका जो चौथा जो कारण था वह था पानी के बिना किसी भी प्राणी की जो लाइफ है वह आसान नहीं होती और संभव नहीं होता. और पानी झीलों झरनों नदियों वगैरह में ही मिलता है और कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता और कुछ का पानी जो है सीजनेबल होता है सूख जाता है बारिश के बाद ही मिल पाता है. इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की जो तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा. इसके अलावा लोग अपने रिश्ते नाते मित्रदारों से या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे. यहाँ यह याद रखना इम्पोर्टेंट है कि लोग पैदल यात्रा करते थे. How do we know about these people? अब आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली. Archaeologists have found some of the things hunter gathers made up and used. It is likely that people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived best. पुरातत्ववादी जो आर्कोलॉजिस्ट है वह कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका जो निर्माण है वह और उपयोग आखिर तक खाद्य संग्रह किया करते थे और यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए जो क्या है पत्थर लकड़ियाँ हड्डियाँ के औजार बनाए. इनमें से पत्थरों के औजार क्या है आज भी हमारे जो म्यूजियम वगैरह में संग्रहालय में देखने को मिलते हैं. सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड्स एनिमल्स स्किन चॉप फ्रूट एंड रूट्स. सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग. अदर टूल्स वर used to chop wood which was used as firewood. Wood was also used to make huts and tools. फिर क्या होता था इनमें से कुछ औजारों का यूज हम फल फूल काटने में हड्डियों और मांस काटने में तथा जो पेड़ों का हमारा श्रब होता है बार्क होती है उसको काटने के लिए यूज करते थे और कुछ जो के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे. कुछ जो हमारे टूल्स है औजार है वेपन्स है वह लकड़ियाँ काटी जाती थी. लकड़ियों का उपयोग
क्या है, ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी यूज किया जाता था। देखो यह है हमारा लकड़ियों का यूज़ कैसे किया जाता था, किस तरह से ये औजार है, किस तरह से इसकी खाल निकाली जाती थी, वेपन्स बनाए गए हैं, ठीक है। अब है चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन। अब रहने की जगह निर्धारित करना। लुक एट मैप टू बिलो, ऑल द प्लेस मार्क विद रेड ट्राइंगल्स आर सिटीज फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस, ओनली सम आर शोन ऑन द मैप। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक्स। क्या है यहाँ हमारा जो मैप नंबर टू दिया गया है, इसमें जो रेड ट्राइंगल बने हैं, यह स्थान पुरातत्व मरकर आर्कोलॉजिस्ट है जहाँ पर आखेटक जो पुराने टाइम के लोग हैं संग्राहक होने का प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा और भी ऐसे कई प्लेसेज हैं जहाँ पर जो हंटर गैदरर्स के रहने के हमें अवशेष मिले हैं। मानचित्र में क्या है, कुछ ही गिने चुने मतलब इम्पोर्टेंट जो हमारे प्लेसेज उनको दिखाया गया है। कई पुरातत्व नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए, जैसे ये है हंसी है, कर्नूल केव्स है, ठीक है, भीमबेटका है, इम्पोर्टेंट सिटीज़ है। यहाँ पर क्या है आखेटक रहते थे। एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजिली अवेलेबल। क्या होता था, जो पत्थर के जो उपकरण बनाए जाते थे, टूल्स बनाए जाते थे, वो इम्पोर्टेंट इसलिए थे कि लोग ऐसे जगह ढूंढते रहते हैं जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, और जहाँ लोग पत्थरों के जो वेपन्स हैं औजार हैं बनाते थे, और उन स्थलों का उद्योग स्थल उनको क्या कहते थे, उद्योग प्लेस कहते थे, उद्योग स्थल कहा जाता था। रॉक शेल्टर, ये रॉक शेल्टर से एक प्रिंट पेंटिंग बनाई गई है, ये देखो पत्थर। इसके बाद फाइंडिंग आउट अबाउट फायर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम ऐसे जानकारी मिलती है जहाँ पर हमें जगह जगह पर क्या है, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े मिले हैं, और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए हैं क्योंकि वह ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही जो उनके वेपन्स हैं पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को क्या है, अवश्य जो इंडस्ट्रियल एज कहा जाता है। इसमें दिया गया है भीमबेटका इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। भीमबेटका क्या आधुनिक मध्य प्रदेश में है। दिस इज़ एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर। पीपल चूज देयर नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द रेन हीट एंड विंड। दे रॉक शेल्टर आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। कैन यू थिंक ऑफ व्हाई पीपल चूज टू लिव हेयर। क्या है आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ पर पुरास्थल या कि कहा जाता है जहाँ लोग रहा करते थे। इसमें गुफाओं और केव्स में और कंदराओं जैसे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है और बताया गया है इन लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे ताकि उन्हें बारिश धूप सर्दी गर्मी से राहत मिले। और ऐसी जो नेचुरल केव्स है वह विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है जो नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोग ऐसी जगह क्यों चुनते थे। अब इसका आंसर तुम लोग दोगे। इसके बाद जो क्या है फाइंड आउट अबाउट फायर, आग की खोज कैसे हुई, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।